हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँ और पति देव को देना है मुझे सरप्राइज़। उनको नहीं मालूम है मैं क्या बनाने जा रही हूँ खाने में। ये मैंने बनाया आमले की चटनी और राजमा बना के रख लिया है। उनको राजमा बहुत पसंद है। और ये हमारा मट्ठा, मट्ठा भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि गाँव का मट्ठा मिलता नहीं है गाइस, और रेडीमेड आता है उतना स्वाद नहीं रहता है। चावल हमारा पक रहा है, आज खाने में केवल राजमा चावल ही रहेगा, रोटी नहीं बनाऊंगी। ये पापड़ हैं जो दीपावली में मैंने फ्राई किए थे तो थोड़े से बच गए, तो चलो सोचा प्लेट में ये भी लगा देंगे, अच्छा लगेगा। बच्चे देखिए, आपके बच्चे भी छुपा छुपाई खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, सिंक के नीचे छुपे हुए हैं और एक दरवाजे के पीछे छुपा हुआ। लौकी वहाँ मैं काट रही थी कल सुबह के लिए, तो काटते काटते वहाँ पर आ गई किचन में देखने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ा सा कर लेते हैं। और गैस भी हमारा जल रहा है, तो मैं गीले हुए चाय के बर्तन सेट कर रही हूँ। अभी पति देव ऑफिस से आए थे तो उनके लिए मैंने चाय बनाया, हम दोनों लोग पिए। तो खाना बनाते बनाते ये भी बीच बीच में कर लेती हूँ। और गैस हमारे यहाँ मुझे छोड़कर राजमा सबको पसंद है, मैं ग्रेवी खा लेती हूँ और बाकी बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और थोड़ा सा रखा हुआ था तो हमने कहा इसको भी ख़त्म कर दें, ठंडियाँ आ ही गई हैं तो इसमें सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। और पतिदेव काफ़ी टाइम से कह रहे थे वही हरी सब्जियाँ खिला रही हूँ, सूखा सूखा कुछ अच्छा नहीं बना रही हूँ, तो मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी। और सरप्राइज़ दिया, बहुत ज़्यादा खुश हुए। और ये मैं पापड़ तेल में नहीं फ्राई करी, गैस पे ही सेक ली। ऐसे मेरा बड़ा वाला बेटा भी करता है, उसका जब भी मन होता है खाने का तो वैसे ही सब गैस पे सेक लेता है। थाली हमारी लग गई, ये थाली मेरी है जिसमें मट्ठा है और मेरे बड़े वाले बेटे का, ये मेरे हस्बैंड का। जिस थाली में मट्ठा है वो मेरा और मेरे हस्बैंड का, और बच्चे मेरे मट्ठे नहीं खाते हैं। और दही खा लेंगे, रेडीमेड दही, ये देखो हाय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेसब्री से कहिए इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारा खाना पीना हो गया, हम आ गए फिर से किचन में, जो एक औरत का काम होता है रात में वही मैं करने आ गई हूँ। अभी अभी हमको यहाँ गैस चूल्हा साफ़ करना है, किचन अपना साफ करना है, तो सारे बर्तन धुल लेंगे और करके जिल लिए जो सुबह का सारा काम रहता है सुबह, उसका भी तैयारी करनी है। हर चीज़ मैं किचन में साफ़ करके फिर उसी जगह पर रखती हूँ कि सुबह उठने के समय, जैसे हमको कभी कभी हो जाता है नींद में आ जाते हैं, लेट हो जाता है, दवा खाती हूँ तो अधिकतर हमसे लेट हो ही जाता है, अलार्म लगा के सोती हूँ। तो गैस हमारी तो नींद की दवा चल रही है। ये देखिए हमने सारा सेट कर दिया, बर्तन हम अभी नहीं रखेंगे, सुबह रखेंगे। सिंक हमेशा मैं साबुन से क्लीन करके छोड़ती हूँ। और गैस कैसा लगा आप लोगों को हमारा सरप्राइज़ पतिदेव के लिए? गुड नाइट।